नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनोद। तो दोस्तों, पठान मूवी का ट्रेलर आने के बाद इस फिल्म का जो क्रेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसा कि आप सबको बताया कि फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बायकॉट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि जो इसके थिएटरों में टिकट हाउसफुल हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को लेकर साउथ और बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन हैं उन्होंने फिल्म को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी है। उनका जो रिएक्शन आया कि शाहरुख खान जो हीरो है वो बहुत ही बेहतर हीरो है, और उनकी जो फिल्म है पठान वो धज्जियां उड़ा देगी रिकॉर्ड के नाम पर। हां दोस्तों, जब इस फिल्म की पहले दिन की कमाई आएगी तो ये फिल्म रिकॉर्ड बना देगी, और ऐसा ही है क्योंकि जब लोग इस फिल्म को बायकॉट कर रहे थे तो दूसरी तरफ इस फिल्म का जो क्रेज वो भी बढ़ रहा था। हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस फिल्म के जितने भी गाने आए हैं और इस फिल्म का एक ट्रेलर आया है उस पर काफी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। अब इन व्यूज को देखकर हमें तो यही लगता है कि इस फिल्म का जो क्रेज है वो 90% है। हाँ दोस्तों, अब बात ये है कि इस फिल्म के आने का इंतजार है, आते ही इस फिल्म की जो कमाई देखने लायक होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ इंटरनेशनल एक्टर जो अब्दुल रोजिक है, बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट है, जिन्हें सब प्यार करते हैं क्योंकि वो छोटी हाइट के हैं और बहुत ही ज्यादा क्यूट है दिखने में। उन्होंने भी बॉलीवुड के बादशाह को बधाई दी है पठान मूवी को लेकर, और जो पठान मूवी है उसकी तारीफ करते हुए बहुत कुछ बोला है। आप ये वीडियो देखिए। सलाम अलैकुम, नमस्ते, हाउ आर यू ब्रदर, आई एम अब्दुल रज़ाक, गुड लक फॉर पठान मूवी, आई होप टू सी यू वन डे, आई एम योर बिग 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 फैन, आई लव यू सो मच। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि जो अब्दुल रोजिक है वो पठान मूवी के बारे में तारीफ कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो अब्दुल रोजिक बाहर के कंट्री के एक्टर है वो भी इस फिल्म को लेकर तारीफ कर रहे हैं, तो इस फिल्म का जो क्रेज है वो कितना ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग होती है वो कितनी होती है, क्योंकि जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म की जो पहले दिन की कमाई देखने लायक होगी। तो दोस्तों, अब वेट रहेगा 25 जनवरी का। दोस्तों, 25 जनवरी को पता लग जाएगा कि पठान मूवी का जो क्रेज कितना ज्यादा है, या बायोकोट गैंग इस फिल्म को पानी में ढकेल देगी। ये तो 25 जनवरी को ही पता लगेगा। बाकी आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।